हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सो अच्छे होंगे आप लोग। और हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट गए थे सब लोग एक साथ, तो साथ में बहुत इन्जॉय किया हमने। लिटरली बहुत अच्छा लगा साथ में टाइम स्पेंड करके। और फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग एक्चुअली आप लोगों के लिए शूट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे एक्चुअली, तो मैंने शूट नहीं किया है आप लोगों के लिए। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ब्लॉग्स क्रिएट करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और बस इसी एक छोटी सी पॉजिटिविटी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। तो मैंने यहाँ पे पता है आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रो शूट किया था, जो कि मैं फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी इसमें एंड स्लो भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो वॉइस हटा के और वॉइस ओवर कर दूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली और सारे। मैं कोशिश तो यही करती हूँ गाइज, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैं लॉन्ग ब्लॉग्स ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ और ना ही अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों से बातें करती हूँ या अपनी मन की बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और YouTube वीडियोस बनाना मेरे एक शुरू से, यू नो, स्टार्टिंग से एक पैशन था कि मैं बनाऊं और जो भी अपने मन की बातें या फिर यू नो आप लोगों से बातें करना, ये वैसे भी मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलूं, बातें करूं, अपनी मन की बातें शेयर करूं, अपने दिल की बातें आप लोगों तक पहुंचाऊं, और किसी चीज़ में सजेशंस चाहिए तो वो भी कोशिश करती हूं कि मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करके सजेशंस लूं। बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग्स मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की और अपडेट करने की कि मैं एक्चुअली कहाँ कहाँ गई थी। तो लेट्स सी, मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं किचन में हूँ गाइज, और किचन में ही साथ साथ इन्जॉय भी कर रही हूँ और अपना कुकिंग भी कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैं एक्चुअली उनके बेडरूम में गई थी, जो कि बच्चे यहाँ के बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं। ज़्यादा टाइम तो मैं उनके साथ नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि वो लोग भी बिज़ी होते हैं, मॉर्निंग में उनके स्कूल होते हैं एंड फिर वो लोग आते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर वो लोग फिर से पढ़ने चले जाते हैं, फिर से ट्यूशन क्लासेस होती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों को वीडियोस में दिखाने का या फिर शूट करके आप लोगों से बातें कराने का। लेकिन आज मौका मिला था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें भी कर लूँ और इन बच्चों को मिलवाऊँ भी। वैसे ये बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ब्लॉग्स में आने का, या फिर मैं जब भी फ़ोन उठाती हूँ ना, जब भी मैं कैमराज ऑन करती हूँ तो ये लोग ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं एंड एवरीवन से हाय हेलो नॉर्मल वीडियोज़ या स्नैप्स भी बनाती हूँ। अगर मैं स्नैप भी बनाती हूँ या फिर नॉर्मली कुछ शूट भी करती हूँ ना, तो वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बहुत एक्साइटेड होकर के यू नो वीडियोस में आ जाना उनको बहुत पसंद है। आपको पता ही है कि बच्चे कितने शौकीन होते हैं ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। जब आप बोलते हो बेटा ऐसे पोज करो, तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि यस हम फाइनली यू नो फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं या फिर वीडियोज़ हमें बनाने हैं, तो दे आर वेरी एक्साइटेड समटाइम एंड बस। सॉरी से हाय, हाउ आर यू, पूछो पूछो ना प्लीज। नहीं आना चाहिए बेटा, कहाँ हो आप? कितनी क्यूट लग रही हो सारिया तुम, अल्लाह माई प्रीटी गर्ल, देखो ना इधर कैमरा में। पूछो कैसे हो आप लोग, तेज बोलो कैसे आप लोग, और पूछो कि पूछो ना कि कैसे हो आप लोग, और आप लोग हम आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? नहीं पूछोगी? सी इज़ वेरी शाय। और ये रहा हमारा एलोवेरा का प्लांट, लेकिन ये ख़राब हो चुका है गाइस। सी, ये लगाया था किसी ने, कितना बुरा हो गया है। तो ये पता है हमारे घर के पीछे वाला एरिया है, जो कि जब हम पीछे वाले बालकनी में आते हैं ना, तो ये पूरा व्यू वहाँ से दिखता है, जबकि आगे से ऐसा कुछ नहीं दिखता, तो हमें पीछे वाली बालकनी में आनी पड़ती है। और यहाँ से लिटरली गाइस इतनी सारी यादें हैं ना बचपन की, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरेबल चीज़ें हैं, यादें हैं। और बच्चे यहाँ से स्कूल से भी आ रहे थे, तो वो कह रहे थे अच्छा ब्लॉग शूट हो रहा है, कहीं फ़ोन ना गिर जाए, दैट्स व्हाई कि मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई कि अच्छा मेरा फ़ोन गिर जाए, कैसे बच्चे बोल रहे हैं। वो लोग ऐसे एक्चुअली रहे थे बोल के कि कहीं आप इतना हाइट से ब्लॉग शूट कर रहे हो, नीचे फोन ना आ जाए आपका। तो वो लोग भी स्कूल से आ गए हैं और मैं ये आपको पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। पहले एक्चुअली यहाँ से रास्ता नहीं था,
बट अभी कुछ दिनों से यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो गया। ये वाला रोड देख रहे हो आप, ये पहले था नहीं, और यहाँ जितने भी ये खेत का दूर दूर से जितने भी व्यूज दिख रहे हैं आपको, और बहुत तेज वाला धूप हो रहा था यार, बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पे, बहुत तेज धूप आ रही थी और शूट भी मैं कर रही थी उसी धूप में। तो यहाँ पे ना पहले यहाँ पे ना फसल उगाई जाती थी, क्योंकि ये पूरा खेत में लोग काम करने आते थे। फसल फसल हमने देखे हैं उगते हुए इसमें, तो बहुत सारी यादें हैं हमारी बचपन की यहाँ। लेकिन अभी यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है, लेकिन अब ज़्यादा कोई फसल वगैरह नहीं उगाता यहाँ पे। लेकिन बचपन में ये चीज़ें देख करके बहुत खुशी मिलती थी कि पूरा दूर दूर तक खेत दिखता था हमें। और यहाँ मेरी कज़न थी और मामी थे यहाँ पे किचन में, वो लोग कुकिंग कर रहे थे और मैंने भी सोचा थोड़ी हेल्प कर दूँ उनकी। तो यहाँ पे वो लोग कुछ वेजीज बना रहे थे, और एक तरफ दाल के लिए उन लोगों ने प्रेशर कुकर चढ़ाए हुए थे। तो लंच की तैयारी हो रही थी बेसिकली गाइज, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा होता है कि हम थोड़ा वहाँ दिल्ली में लेट लंच करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम से हो जाता है 2 2:30 बजे, बट वहाँ पे थोड़ा सा लेट ही होता है। और ये सामने वाला घर जो कि यहाँ से प्रॉपर दिखता है, एक्चुअली यहाँ पे एक ही बिल्डिंग था, तो मतलब शुरू से ही यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस वाइज घर कम है और स्पेस थोड़े थोड़े ज़्यादा ज़्यादा से हैं। तो ये वाला घर है, सामने ही दिखता है। तो बारिश हो रही थी उस दिन, तो हम ये कह रहे थे अल्लाह पेंट हुआ है एंड सब कुछ गीला हो रहा है, क्योंकि फ्रेश ही पेंट हुआ था उनका इसीलिए। और यहाँ पे मैं ग्रेवी अच्छे से देख रही हूँ कि हो गया है या नहीं हुआ है, या टाइम लगेगा अभी। साथ ही साथ घर में रेनोवेशन का भी काम हो रहा था गाइस, जो सीढ़ी पे अप डाउन करने में हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऊपर ही, मेरे सारे लगेज हैं और सारे चीज़ मैं ऊपर ही स्टे कर रही हूँ, ऊपर ही सो रही हूँ। साथ साथ यहाँ पे मशीन भी ऑन कर रखा था मामी ने, कपड़े वॉश कर रही थी वो, और ऊपर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीढ़ी पे एक्चुअली काम लगा हुआ था, जीना बन रहा है, वो टाइल्स मार्बल्स लग रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा वहाँ पे सामान फैला हुआ था। और ये लोग बच्चे फिर से बदमाशी करते हुए, जो कि बहुत हंसाते भी हैं, और ये लोग फ्रेश हो करके फ्रेश हो भी गए थे, बट ये लोग कुछ कुछ नई नई चीज़ें डाल के से ट्राई कर रहे थे और हंसा भी रहे थे मुझे साथ साथ। फिर मैं फ्रेश होकर के सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत टायर्ड हो गई थी, और सी आँखों में अभी भी इतनी नींद है, लेकिन अज़ां होने ही वाली थी, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था अज़ां होने में, दैट्स वाई मुझे उठना पड़ा। लेकिन सी गाइस कितनी नींद है मेरी आँखों में, आप लोग देख सकते हैं, और मैंने उठते ही कैमरा ऑन कर दिया था, और मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही थी गाइस। सो यस, और ये बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं, बचपन में जो ये गेम्स होते थे ये लोग सब लोग आपस में मिलके खेल रहे हैं। और यस, आज का ब्लॉग यही था, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।